अभी शॉप में गया था, आटा लाना था. व्हाट? अरे ये तो साइड, इग्नोर दैट. तो आटा लेने गया था, एज पर प्लानिंग एज पर डिसीजन आटा लेना था. ब्रेड ले लिया, एग्स ले लिया. दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई डिसीजन, बट ये ले लिया. आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि आप शायद टूथपेस्ट खरीदने गए हो और शॉप पे कुछ डिस्प्ले इस तरह किया गया है कि आपको लगता है अरे हाँ ये भी ले लूं, वो लेना रह गया. तो ये इसीलिए होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स, इंपल्स बाइंग. एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज शॉप ओनर्स, ऑल दोज सुपरमार्केट ओनर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को कुछ डिस्प्ले इस तरह करते हैं कि कस्टमर के माइंड में वो परचेस का नीड क्रिएट हो जाता है. ऑल्दो दिस इज द बेसिक नीड, ये जो मे बी ब्रेड खत्म हो गया था तो लेना था, बट आपके साथ ऐसे बहुत बार होता होगा कि आप खरीदने जाते हो एक चीज और एट द एंड आप चार पांच चीजें खरीद लेते हो. इंपल्स, दिस इज द इंपल्स पॉइंट. सो फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, इफ यू आर इन द बिजनेस, इफ यू हैव अ शॉप और इफ यू हैव अ ई शॉप, देन मेक श्योर कि आपके सारे प्रोडक्ट्स, आपके सारे सर्विसेस ये प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए, ये प्रॉपरली कम्युनिकेट होने चाहिए. बिकॉज कस्टमर मे नीड इट एनी टाइम एंड ही कैन पिक अप लाइक दिस. एंड इफ यू आर नॉट इन अ बिजनेस, इफ यू आर नॉट इन इन टू मार्केटिंग, इफ यू डोंट हैव अ शॉप, इफ यू आर अ कस्टमर, मेक श्योर कि आपका जो परचेसिंग है, आपका जो बाइंग है, ये प्लान रखो. आप एक आपके डायरी पे या एक चीट ऑफ यू नो एक पेपर पे आप ये हमेशा आपका लिस्ट रेडी रखते जाओ, सो दैट आपका ओवर स्पेंडिंग नहीं होगा, चार पैसे बचेंगे और मुझे दुआ लग जाएगी. दिस इज विक्रांत.